हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मन्नू क्रिएशंस। आज की वीडियो में हम आपको स्लीव्स का कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। तो यहाँ पे हम ये कपड़ा हम कट करके रखे हैं और इसमें हम ड्राफ्ट भी करेंगे और कटिंग करके और स्टिच करके दोनों ही बताएंगे। तो ये यहाँ पे देखिए, ये लेस है और ये मेन फैब्रिक है और इसको अभी हटा लेते हैं। और ये देखिए, ये अस्तर वाला जो कपड़ा है ये इस तरह से देखिए फोर फोल्ड में है, 10.5 इंच है और इसका लंबाई हम रखे हैं 9 इंच। यहाँ पर देखिए स्लीव्स का लंबाई हमको चाहिए 5 इंच, तो यहाँ पे 5 इंच है हम लेंगे और इसमें 1 इंच और मार्जिन रखेंगे तो टोटल हो जाएगा 6 इंच। और यहाँ पर बच रहा है 3 इंच, तो ये 3 इंच डिजाइन के लिए है। यहाँ पर चौड़ाई इसका रखें, आर्मोल लेना है तो आर्मोल 16 इंच है तो उसका हाफ लेना है, तो यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे ये टोटल जितना बच रहा है 2.5 इंच ये हम मार्जिन के लिए रख लेंगे, तो टोटल चौड़ाई हम रखे हैं 10.5 इंच। और यहाँ पे मोहरी रखेंगे, मोहरी है 5.5 इंच यहाँ पे रखेंगे, टोटल राउंड में 11 इंच है। और फिर यहाँ पर भी यहाँ पे 2.5 इंच मार्जिन लिए हैं तो यहाँ पर भी 2.5 इंच मार्जिन रख लेंगे। और अब यहाँ से यहाँ पे सीधा निशान यहाँ पे लगाएंगे यहाँ, और यहाँ से 3 इंच, यहाँ से 3 इंच नीचे यहाँ पे निशान लगाना है और इस निशान से इस निशान में मिला लेना है इस तरह। अब देखिए यहां से राउंड करेंगे और यहां पर मिलाएंगे, इस तरह से। और यहां पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम यहां से इस तरह से मिलाएंगे, ऐसे। और यहां पे मिलाते हुए इसमें मिला लेंगे। अब इसी पे कट करेंगे, ये निशान पे कट नहीं करेंगे, ये निशान पे कट कर लेंगे। और देखिए यहां पर कट का निशान देंगे, यहां से प्लेट लगाएंगे। तो इसी तरीके से ये मेन फैब्रिक में यहाँ पर इस तरह से रख कर और इसको कट कर लेंगे। ये मेन फैब्रिक में भी हम कट कर लिए हैं। अब इसका एक स्लीव्स लेंगे और मेन फैब्रिक का भी एक स्लीव्स लेंगे और यहाँ पर स्टिच करेंगे, मोहरी के पास स्टिच करेंगे। स्टिच कर लिया और ये इसमें देखिए उल्टा सीधा पता नहीं चल रहा, दोनों साइड में सेम ही है। अगर आपका फैब्रिक है जो मेन फैब्रिक उसमें उल्टा सीधा पता चल रहा है तो आप सीधा वाला को अंदर रखेंगे, इसके बाद यहाँ पे सिलाई करेंगे, फिर इसको पलटेंगे तो ये देखिए सीधा आ जाएगा। तो इसको पलट लेंगे और अब यहाँ पर लेस लगाएंगे, तो ये लेस है इसको हम आधा काट लेंगे इस तरह से बराबर रख के और आधा कट कर लेंगे दूसरे स्लीव्स के लिए। और अब इसको सेंटर में लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये निशान है सेंटर पे, यहाँ पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पर भी इसमें सेंटर पे निशान लगाएंगे। और अब यहाँ पे मिला के रखेंगे और फिर सिलाई करेंगे तो इससे सेंटर में लग जाएगा। यहाँ पर देखिए सेंटर में पिन लगा लिए हैं और यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा मोड़ लेंगे और फिर सिलाई करेंगे, यहाँ मोड़ेंगे और फिर यहाँ पर भी इस तरह से मोड़ लेंगे और फिर सीधा सिलाई करेंगे।
और अब यहाँ पर ये तीनों साइड में इसको सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये लेस लगा लिए हैं। अब लेस लगाने के बाद में फिर ये तीनों साइड में कच्चा सिलाई हम लगाएंगे। बाहर कपड़ा निकला हुआ था उसको भी कट कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए इसको सेंटर में इस तरह से सेंटर पे भी निशान लगा लेंगे, इस तरह से कट दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे बराबर से प्लेट लगाएंगे। ये तीन प्लेट बना, तो अब इधर से भी इस तरह से लगाना है। देखिए ये इधर के तरफ है और ये प्लेट इस साइड रहेगा, दोनों आमने सामने रहेगा। ये देखिए इस तरीके से ये बन गया। अब इसको जब स्टिच करेंगे तो यहां पर देखिए इस तरीके से रखेंगे। ये सेंटर यहाँ पे कट किए हैं, इसको ऐसे रख लेंगे इधर से, और यहाँ पे सेंटर में मिलाते हुए ऐसे रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये स्लीव्स रेडी हो गया है। मेरे पास थोड़ा कम कपड़ा था इसलिए इसमें प्लेट कम बना है। अगर आपके पास कपड़ा ज्यादा है तो जितना स्लीव्स का लेंथ आपको चाहिए उससे डबल आप ले लीजिए, तो उसके बाद में इसमें प्लेट लगाएंगे तो ये और भी अच्छा से इसका लाइन इस तरह से बनेगा और पहनने के बाद में वो फुला फुला बहुत ही अच्छा दिखता है। तो इस तरीके से आप भी ट्राई करें। इस तरीके से ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।